So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE और साथ में हम लोग दोनों जगह ही लाइव चल रहे हैं, ठीक है? दोनों ही जगह आपका लाइव है, Unacademy के अंदर जो स्पेशल क्लास है वहाँ भी ये लाइव है और YouTube के अंदर भी आप पे लाइव है. So first of all let me know if I'm audible, am I audible? यहाँ भी audible है और YouTube में जो बच्चे हैं please let me know everyone, am I audible everyone? अभिषेक, निशांत, Sritama, just let me know if I'm audible so that we can start the session. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. कल मैं आपको ब्रीफ में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ और फिर वी विल स्टार्ट. देखो हमने जो जो चैप्टर्स कवर कर लिए हैं कौन कौन से हैं, लैंड एंड पीपल, वी हैव कवर्ड दीज चैप्टर्स. कौन कौन से हैं? यू हैव लैंड एंड पीपल, National symbols, we have covered national symbols, land and people. Then you have, we have covered agriculture. Yesterday we have covered a very important topic on education. आज हम एक बहुत बड़ा chapter करेंगे. अगर आप India yearbook में देखो तो more than 100 pages हैं इसमें. Environment topic we will discuss, ठीक है? तो ये बहुत important chapters हैं. और फिर कल भी हमारा session है तो I will discuss अदर टॉपिक्स लाइक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर और ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू अबाउट Unacademy. तो Unacademy में आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर्स से लाइव आप क्लासेस कर सकते हैं, लाइव आप जुड़ सकते हैं, अपना UPSC की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं. करना क्या है, Unacademy में जाके Unacademy.com या फिर आप Unacademy का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. जैसे अगर आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें क्या है कि ये जो अमाउंट है यू हैव टू यूज़ दिस रेफरल कोड दैट इज़ SPLIVE और इस रेफरल कोड को जैसे इस्तेमाल करोगे 10% से अमाउंट कम हो जाएगा और ये जो अमाउंट 48,000 है ये रिड्यूस होकर 43,200 हो जाएगा. इसमें आपको मिलना क्या है, मेरे सारे कोर्सेज 2 सालों तक आप देख सकते हो, पूरा करंट अफेयर्स आपका कवर्ड होगा. इसके अलावा 80 प्लस टॉप एजुकेटर्स के आपके क्लासेस आप लोग देख सकते हो. ये आपके लिए बेनिफिट है. आपका पूरा GS का सिलेबस, ऑप्शनल सारी चीज़ें आप बार बार कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बार बार इनको कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको मिस नहीं करना है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं. तो इसमें आपको ये समझना है सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन बेस्ड होता है ना कि आपका एजुकेटर या फिर एक कोर्स बेस्ड होगा. तो एक अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने 2 साल का तो 2 साल तक जितने भी कोर्सेज आएंगे उन सभी को आप बार बार देख सकते हो. 2021, 2022 और इस सारी क्लासेस लाइव होंगी. 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं 21-22 उनके लिए अच्छा मौका है. 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 1 मंथ का अमाउंट ऐड करते ही इतना सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको अभी आई होप आप लोगों ने आज का मॉक टेस्ट जरूर से दिया होगा. 29 मार्च को हुआ ऑल इंडिया रैंकिंग, जिसके भी आएगी जैसे 20 टॉप 20 में आएंगे उनको फ्री 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, प्राइजेस आपको दिए जाएंगे. 12 अप्रैल को नेक्स्ट है इसका एनालिसिस आई विल टेक, फिर उसके बाद 26 अप्रैल, 10 मई और 24 मई. तो एनालिसिस भी उसी दिन आपका होना है तो आप ज़रूर से दें. अभी एक प्रीलिम्स का भी कोर्स आपका चल रहा है तो इसको भी आपको मिस नहीं करना है. 3:30 बजे आपकी क्लास होती है. आई टेक दैट करंट अफेयर्स, 2 ईयर करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है. इसके अलावा स्टैटिक सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जा रहा है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, तो पूरा का पूरा आपका प्रीलिम्स कवर हो जाएगा. और अप्रैल का कोर्स भी शुरू हो रहा है, अप्रैल का करंट अफेयर का कोर्स भी आपको शुरू हो रहा है और ये आपका स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से, ठीक है? तो इसको भी आपको मिस नहीं करना. 1:30 बजे आपकी क्लास होगी तो ये आपको ध्यान रखना है. रिमेंबर द रेफरल कोड दैट इज SPLIVE. चलिए शुरू करते हैं एनवायरमेंट, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विथ एनवायरमेंट. तो यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी और हर एक आस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे. आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग स्टैटिक में भी आपका जो है कवर्ड है. जैसे अगर आपने कोई किताब पढ़ी होगी तो उसमें भी वो बातें कवर्ड हैं डिटेल्ड में, तो उनको भी आपको थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो. यहाँ जो आस्पेक्ट मेंशन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. नहीं, अभी हम लोग और भी सेशंस डिस्कस करेंगे. आगे एनर्जी है, उसके बाद टूरिज्म है, कल्चर एंड टूरिज्म है,
विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स. तो आप लोग को बस ध्यान ये रखना है कि ये एनवायरमेंट, एजुकेशन, वेलफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ये आप लोग को मिस आपको नहीं करना. चलो शुरू करते हैं. पहले नोट कर लो, जैसे मैंने आपको बताया कि पीडीएफ पे पूरे तरीके से आप डिपेंडेंसी नहीं रखनी है. क्लास में थोड़ा मेहनत का काम है, नोट डाउन करते रहो. ठीक है, सभी लोग को साथ साथ में नोट डाउन करते रहना है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू. ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है. तो ये पहला चीज़ ये याद रखो, पहला टॉपिक लिख लो, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो देखो मेन चीज़ क्या है कि जैसे अगर आप बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, आप लोग को बस इसके बेसिक चीज़ें समझनी है. ठीक है, क्या करती है और इस टाइप से किसके अंडर है. जैसे कल मैंने आपको एजुकेशन चैप्टर कराया था और उस एजुकेशन चैप्टर में बहुत स्कीम्स की थी. कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है युक्ति क्या है? प्लीज़ लेट मी नो, दोनों जगह मुझे बताओ, देखता हूँ मैं कौन पहले बता पाता है. युक्ति क्या है? युक्ति स्कीम मैंने आपको बताई थी, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब दोनों में. प्लीज़ लेट मी नो. जल्दी से बताओ युक्ति क्या है. वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड. यूट्यूब में अभी मुझे आंसर नहीं आ रहे, प्लीज़ लेट मी नो. गौरी, वरुण, रुद्रा, सिमरन, सचिन, प्लीज जल्दी से बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो आप लोगों ने रिवाइज किया है, चलो नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं. तो आपका बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट में BSI कहते हैं. देखो इस चैप्टर के अंदर जितनी स्कीम्स आएंगी, जो भी आएगा, तो मिनिस्ट्री बार बार आपको नहीं पूछना है. एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी आएगा, वो सारी की सारी किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. बस ये याद रखना. एजुकेशन के अंदर कल जो मैंने आपको कराया, वो सारी आपकी आ रही हैं किसमें, आपका आती हैं किसके अंदर, MHRD के अंदर. यहाँ पे हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे, तो मिनिस्ट्री जहाँ भी आपके मन में डाउट हो किसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री होती है, तो यू शुड रिमेंबर कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका आएगा. ठीक है, तो ये क्या है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो शॉर्ट फॉर्म इसका लिखना, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. और कैरिंग आउट टैक्सोनॉमिक एंड फॉरेस्टिक स्टडीज ऑन वाइल्ड प्लांट्स रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, इनकी स्टडी करना. ये देखो बोटैनिकल, बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है, ऐसे भी आप लोग आपको क्लियर होगा. इसकी एस्टैब्लिशमेंट आप याद रखो बस 1890. दूसरा पॉइंट आप याद रखो, 1819 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ये पॉइंट आपको याद रखना है. उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि सर जॉर्ज किंग, ये फर्स्ट एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर थे BSI के. जॉर्ज किंग, GEORGE, जॉर्ज किंग. जॉर्ज किंग जो है ये पहले ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर थे BSI के. इसका पर्पस क्या है, नाम से पता चल रहा है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब बॉटनी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड है. वाइल्ड प्लांट्स की स्टडी कब स्टैब्लिश हुआ, 1890 में. पहले इसके एक्स ऑफिशियो कौन थे, ये आपके जॉर्ज किंग है. ठीक है, क्लियर सभी को? सचिन, श्वेता और वरुण यूट्यूब से, और जो बच्चे यहाँ पे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि मेंस में कोई नहीं पूछने वाला व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ऑल, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. बस आपको ईयर याद होना चाहिए, किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये याद रखना चाहिए, और फंक्शंस आप इजीली जान सकते हो. देखो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब प्लांट का सारा जो सर्वे है उसका काम ये देखता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन आप इजिली मार्क कर सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. इजी सी चीज है. और ये क्या है, एक्सप्लोरेशन रिसर्च लीडिंग टू एडवांसमेंट ऑफ आवर नॉलेज ऑन रिच फॉनल डाइवर्सिटी. फॉनल शब्द का मतलब आई होप सभी को पता होगा, व्हाट डू यू मीन बाय फॉनल, मेनली एनिमल्स. और ये, और ये कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 1960 को आपको एस्टैब्लिशमेंट हुआ, आपको ये भी माइंड में रखना है. आवाज एकदम क्लियर आ रही है, जल्दी से बता दो मुझे यूट्यूब में भी, प्लीज लेट मी नो, है ना, जल्दी से बता दो, इज इट क्लियर, आवाज क्लियर आ रही है. प्लीज लेट मी नो एवरीवन. अभिषेक, देखो देखो मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ बातें बता देता हूं.
950 पेज की इंडिया ईयर बुक है। अगर हम एक एक करके बहुत स्लो स्लो चलेंगे तो ये पूरा इंडिया ईयर बुक जो है पूरा ईयर चलेगा, तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो ये आप लोग आई होप सब लोग समझते होंगे, स्पीड मेंटेन करके रखनी है, एक एक वर्ड कॉपी नहीं करना है। एंड में मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। आई वॉन्ट कि आप लोग पहले कुछ चीज़ें नोट करो, रिवाइज करो, ठीक है, नहीं तो आप लोग ये पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दोगे जो कि बाद में इतना काम नहीं आएगा। खुद नोट करो और उसको रिवाइज करो। चलो अब इसका देखो, इसके फंक्शंस, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेनली फॉनल डाइवर्सिटी को देखना है, एक्सपेंडेड इसका धीरे धीरे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आगे एक टॉपिक आएगा, फौना पे क्या है, कंजर्वेशन एरिया का सर्वे और स्टेटस सर्वे ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो ये तीन पॉइंट आप याद कर लो, ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, मान लो कोई प्रोजेक्ट आता है उसका इंपैक्ट वहां के जानवरों पर क्या पड़ता है ना, तो क्योंकि वो इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट विद रिगार्ड टू फौना, उसके बाद सर्वे ऑफ कंजर्वेशन एरिया, कंजर्वेशन एरिया का सर्वे करना, और एंडेंजर्ड स्पीसीज के स्टेटस का सर्वे करना। तो ये तीन पॉइंट में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसके नए फंक्शंस ये आपके ऐड हुए हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आप लिखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, बेसिक पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। देखो बुक बहुत बड़ी है, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे, बट हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट सर्वे, देखो जूलॉजिकल सर्वे, बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजी एनिमल, बॉटनी प्लांट, फॉरेस्ट मतलब ये पूरा जो फॉरेस्ट कवर है उससे रिलेटेड है। तो ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री के अंदर है, जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सेस करती है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। जैसे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, किसी को याद है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट? मैंने अभी क्लास के अंदर कवर किया था करंट अफेयर, जो मैं आपको 3:30 बजे वाली क्लास करा रहा हूँ 2 साल के करंट अफेयर्स की, तो उसमें मैंने आपसे कवर किया था, याद होगा आप लोगों को। तो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना 2019 वाली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये जान लो, इस्टेब्लिश्ड इन 1981, इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 1981 में हुआ था, और पहले इसका नाम था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, और है ना, और मतलब इसी का बाद में ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बन गया था। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 1965 में शुरू किया गया था विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो पहले 1965 में प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज था, है ना, 1965 में ये एक प्रोजेक्ट था जो कि किसके द्वारा रन किया जा रहा था, भारत सरकार तो थी ही, साथ में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये याद रखो। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जिसका नाम प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हुआ। बाद में ये 1981 में कन्वर्ट होकर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बन गया, बस ये याद रखो, ठीक है। इसका देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जो मेन ऑब्जेक्टिव था PISFR का, टू एसर्टेन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुड बेस्ड इंडस्ट्री इन सेलेक्टेड एरिया ऑफ कंट्री। तो शुरुआत में जो ये आपका प्रोजेक्ट था जिसको हम कह रहे हैं प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इसका काम क्या था, ये इंश्योर करना कि जो वुड बेस्ड इंडस्ट्री है उनको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। लेकिन ये फर्दर एक्सपेंड होके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में आ गया, ठीक है, 1981 के अंदर ये आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में आ गया, ठीक है, जो कि उसका फंक्शंस और काफी वाइड हो गया। क्लियर है यहां तक सभी को? एम आई ऑडिबल एवरीवन? अपेक्षा कह रही कि ये बफरिंग हो रहा है, आई थिंक सब कुछ क्लियर है, क्योंकि मेरे सेशन मेरे साथ सामने भी यूट्यूब चल रहा है, तो यहां तो सब कुछ क्लियर आ रहा है। ये यूट्यूब के अंदर इज इट फाइन? नहीं बिल्कुल आयुषी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ तो आप लोग के किसी स्टूडेंट का नेट स्लो होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो बायोडाइवर्सिटी अगर आप इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ोगे तो जहाँ भी आप लोग एनवायरनमेंट करते हो तो वहाँ ये सब बातें आप लोग पढ़ लेते हो, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, कितनी कैटेगरीज होती है, सारी चीज़ें हैं।
तो एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आपका शुरू किया गया था, शॉर्ट में हम CBD कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और ये एग्रीमेंट आपका अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992 में ये कन्वेंशन लेकर आया गया। तो CBD का मतलब क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कब लेकर आया गया, एक अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो, ये आप लोग जानते भी होंगे 1992 में, तो ये कन्वेंशन लेकर आया गया। कन्वेंशन के आप ये समझो कि जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन के अंदर सर्टेन गाइडलाइंस रहेंगी जो कि फॉलो करना पड़ेगा, जो कि फॉलो करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, जो जो कदम उठाए जाएंगे। अलग अलग देश इस कन्वेंशन का पार्ट होते हैं, जब वो मिलते हैं आपस में तो जो उनकी मीटिंग होती है उसको हम कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वी कॉल इट एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर आप CBD की बात करो, इसका एम क्या है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, ठीक है, और कैसे जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर हैं चीज़ें उनका, उनके कंपोनेंट्स का सस्टेनेबल यूज, सही से आप उपयोग करो और सब लोगों के पास उसका बेनिफिट पहुंचे, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, ठीक है। और इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया, 1994 में। तो ये जो आपका कन्वेंशन है CBT का, इसको रेटिफाई कब किया गया, इंडिया के द्वारा। ये आपको फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं, ये आपको याद रखना है 1994 में इंडिया ने इसको आपका ज्वाइन किया, ठीक है। देखो जो जो नए नए बच्चे हैं, जहां से आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो तो तुरंत अभी से नोट करना शुरू कर दो, कल 9 बजे भी आपकी क्लास होगी, ठीक है, इंडिया एयरबुक के ऊपर, तो टाइम से क्लास अटेंड करो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया ने कब ज्वाइन किया, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग, ये पॉइंट आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 आपका लेकर आया, तो ये माइंड में आपके होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपका आया था 2002 में, तो हम पार्ट बने कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इसका हम पार्ट बने 1994 में, और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने खुद एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम है 2000, जो एक्ट हम लेकर आए 2002 में, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हमारा ये सब ईयर इंपॉर्टेंट है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान आपका था 2008 के अंदर लेकर आया गया, ठीक है। तो एक्शन प्लान 2008 में लेकर आया गया कि कैसे हम अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसकी अलग अलग मीटिंग होती है, CBD की अलग अलग मीटिंग होती है, और जो आपकी मीटिंग 2010 में हुई थी उसको कहा गया नगोया प्रोटोकॉल इन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इसका मतलब क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी है इससे हम कई सारे चीज़ें, जैसे मान लो पेड़ पौधे, एनिमल्स, रिसोर्सेज, जितनी चीज़ें हैं सब आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती हैं, तो उसका सही से उपयोग हो, तो इससे रिलेटेड कुछ आपके गाइडलाइंस आई थी नगोया प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है, जो कि कब आया 2010 में, 2010 में आपका ये आया, तो ये फैक्ट भी आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, देखो प्लांट्स या एनिमल्स ये किसी ना किसी चीज के किससे बने होते हैं, जैसे ह्यूमंस कह के बने होते हैं, मतलब इनके जेनेटिक मेकअप होता है, अलग अलग जीन्स बनी होती हैं, अलग अलग जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और सारे जीन के सम को हम बोलते हैं जीनोम, ठीक है। तो जैसे जितने मतलब जितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे प्लांट्स या एनिमल्स, उतनी अधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी आपकी होगी, अलग अलग जीन्स उनके प्रेजेंट होंगे, तो उनको उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उनको प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हाईलाइट की गई थी नगोया प्रोटोकॉल के अंदर, जो कि 2010 के अंदर आपका आया था, और ये भी किसका पार्ट है, CBD का, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, इज इट क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट लिखो बायोस्फीयर रिजर्व, ईयर याद रखो बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो आइडिया था बायोस्फीयर रिजर्व का यूनेस्को के द्वारा लाया गया था, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है बट ये हमसे मिस हो जाती है, इसलिए ध्यान रखो, है ना। इनिशिएट किया गया था यूनेस्को के द्वारा कब, 1973-74 में आपका ये आया था, अंडर इट्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो इसका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अंडर, और ये लॉन्च कब किया गया, 1970 में। ये जो प्रोग्राम MAB है ये 1970 में लॉन्च किया गया, और 1973-74 में ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो आइडिया है वो आपका शुरुआत हुई। तो आपको 1970 याद रखना है, यूनेस्को याद रखना है, ठीक है, उसके बाद मैप याद रखना है,
और 1973-74 याद रखना है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। 70 में क्या हुआ, किसके द्वारा हुआ, मैब क्या है, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया मैंस एंड बायोस्फीयर रिजर्व और 1973-74 ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका देखो ये जो अगर आप इसकी उसको समझो, बेस्ड इकोलॉजिकल प्रोग्राम टू डेवलप एम्ड टू डेवलप विद इन नेचुरल एंड सोशल साइंसेज अ बेसिस फॉर रैशनल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व एंड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। इतनी पूरी लाइन नहीं लिखनी, बस एक पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपको कभी भी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में लिखना है तो ये लाइन आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैन और एनवायरमेंट के बीच का रिलेशन इंप्रूव किया जाए, उसके लिए सारे कदम आपके उठाए जाए। जैसे मान लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेसिफिक वाइल्ड एनिमल्स प्लांट्स के लिए होंगे, नेशनल पार्क्स वहां भी प्रोटेक्शन होता है, बायोस्फीयर रिजर्व पूरे के पूरे इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसमें मैन और एनवायरमेंट के बीच के जो रिलेशन है उसको बेटर उस किया जाए और हारमनी जो है वो मेंटेन रहे, इस पर आपका फोकस किया जाता है, जिससे कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको एफिशिएंटली मैनेज किया जाए, मतलब जो इंक्रीज किया जाए मैन की जो एबिलिटी है टू मैनेज एफिशिएंटली द नेचुरल रिसोर्सेस। अगर मैन और एनवायरमेंट के बीच का रिलेशन अच्छा होगा तो यहाँ पे क्या है कि जो रिसोर्सेस हैं नेचुरल रिसोर्सेस उनको ह्यूमंस बेटर मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है आपका इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमिटी है, वो रिकमेंड करती है कि किसको हमें बायोस्फीयर रिजर्व कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 10 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो ये आप लोग पढ़ते भी होंगे। तो हमारे देश में 18 बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं एज पर इंडिया ईयरबुक, इसमें से 10 बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जो कि किसके द्वारा बताया जाता है, यूनेस्को के द्वारा ये प्रिपेयर होता है। तो ये पॉइंट भी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 18 में से 10 हमारे वर्ल्ड नेटवर्क का पार्ट है। क्लियर हो गया सभी को यहां तक? हाँ, तो देखो फोकस रखना है, एक ही चैप्टर नहीं, सारी चीजें भी आप लोग करते रहो, लिखते जाओ, ठीक है। थोड़ा हम लोग इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, इंडिया एयरबुक में देखोगे मोर देन 100 पेजेस हैं इसमें। तो अगर आप लोग अभी एक घंटा बैठे रहोगे आराम से चीजें नोट करते रहोगे, 7-8 ये मतलब आपका मान लो 100 पेजेस आपके 8-10 पेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो चीजें फैक्ट आपको याद रखना, ठीक है। पूरी बुक 950 पेज आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, ना उसको इतना जरूरत है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्कीम रिलेटिंग टू बायो सेफ्टी, ठीक है। तो स्कीम ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएट किया गया था 1991-1992 में ड्यूरिंग द 8th प्लान पीरियड टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज डीलिंग विथ इशू रिलेटिंग टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो कंजर्वेशन हमारे देश में भी जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन प्रीलिम्स में यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, शुरू हुआ 1991-1992 में, और विश्व में भी अगर आप देखोगे मतलब विश्व में भी इसी टाइम पर अर्थ समिट हुई 92 में, फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आई 1994 में, हमने रेटिफाई किया 2002 में, हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया इस टाइप से, फिर 2008 में हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान आया बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे ये जो बायो सेफ्टी की अगर आप बात करोगे तो मेनली इसमें है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, आपको याद रखना है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि आप लोग सभी जानते हो, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड सर्टेन गाइडलाइंस आपकी काटा जीना प्रोटोकॉल आया, उसके अंदर इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट आपको याद रखना है, काटा जीना प्रोटोकॉल, इट इज बेसिकली रिलेटेड विथ काटा जीना प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल इट इज रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है, अगेन विथ बायो सेफ्टी एस्पेक्ट। तो ये आपको काटाजीना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया, 2000 में, और इंडिया इसका पार्ट है। पहला पॉइंट ऐसे लिखो, कब अडॉप्ट हुआ, 2000 में, ठीक है। किससे रिलेटेड है, इस टाइप से नोट्स बनाना, पूरा कॉपी मत करना, ठीक है, बायोसेफ्टी। और तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, इंडिया जो है इसका पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टू इंश्योर सेफ ट्रांसफर हैंडलिंग
एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो बस ये लाइन आपके माइंड में होना चाहिए, बस इतना आपको याद होना चाहिए। कार्टाजीना प्रोटोकॉल 2000 में आया, इंडिया इसका पार्ट है, बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उनको सेफली आप उनका ट्रांसफर, उनका हैंडलिंग, उनका यूज, ये सारा गाइडलाइन आपका इसके अंडर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर एवरीवन? जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा सा हम लोग स्पीड से चीजें करेंगे, अदरवाइज वो इंडिया ईयरबुक पूरे ईयर चलेगी तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको जितनी भी चीजें हमको इसको कवर करते हुए 5-6 आवर्स में मतलब अलग कमिंग सेशंस जो होंगे उसमें हम लोग को पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आपको याद रखना है। ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो स्टेटरी बॉडी है। ठीक है, मतलब ये एज पर द लॉ इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। स्टेटरी का मतलब लॉ के अकॉर्डिंग इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और मिनिस्ट्री के अंदर ये एमई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है आपका ये। और इसका काम क्या है? ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को कॉम्बैट करना, मतलब खत्म करना। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में, बाकी नहीं याद रखना, इतने याद नहीं रहेंगे कहाँ इसके वो सब है, ये नहीं करना है। बस ये याद रखो कि स्टेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री के अंदर है, और वाइल्ड लाइफ क्राइम का मतलब क्या होता है? अभी पेड़ काटने नहीं है, काटना शुरू कर दिए। ठीक है, कई पेड़ आप नहीं काट सकते, ट्राइबल्स के लिए पास राइट है बट आप ऐसे नहीं काट सकते। उसके बाद कोई एनिमल्स है प्रोटेक्टेड है, आपने जो है उसको बेचना शुरू कर दिया पकड़ के। जैसे एक आपका एक स्नेक होता है, सैंड बोआ नाम से होता है, ये मैंने बहुत बार बताया, सैंड बोआ नाम का एक स्नेक होता है, और ये लगभग 3 kg का ये सांप जो होता है ये लगभग 1 crore का इसका प्राइस होता है। तो अभी इसको पकड़ने के लिए नहीं जाना है, बट ये आप ये समझो कि इसका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डिमांड है। तो सैंड बोआ ये स्नेक है। तो अब ये क्या है? ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज, आप उसको ऐसा नहीं कि इसको ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़ना शुरू कर दो, अगर करोगे तो ये आपको मतलब ये वाइल्ड लाइफ क्राइम होगा। देखो अभी हम जितनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं सभी को मैंने शुरुआत में बता दिया है, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो, तो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है कि ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। तो इसमें बार बार आपको पूछना नहीं कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये मैंने आपको बार बार बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। ठीक है, तो आप लोग को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जू का मतलब आपको पता है क्या होता है? ये कब बना? 1992 में। किस एक्ट के तहत बना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका गठन किया गया। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इस है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका गठन किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1992 में। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पूरे जो जूज हैं आप लोग घूमने भी जाते होगे उसकी सबको देखना उसको। अब नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसका डेफिनेशन लिखो, सेंट्रल जू अथॉरिटी। अब आपके मन में आएगा ये किसकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है। तो कोई भी अभी कोई भी हम टॉपिक कर रहे हैं सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क। नेशनल जूलॉजिकल पार्क इसकी ये कब बना आपका? 1959। ये भी किस मिनिस्ट्री के अंदर है फिर से मैं बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री वाइल्ड फौना। वाइल्ड फौना का मतलब क्या होता है? जो जंगली आपके एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाना। कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1959 के अंदर। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो देखो कैसे नोट्स बनाओगे। नेशनल जूलॉजिकल, मान लो आपने लिख दिया नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ऐसे लिख दिया फुल फॉर्म। उसके बाद इसका सेटअप पूरा इज आर एन ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। 1959 कॉमा, फिर आप क्या लिखोगे?
मिनिस्ट्री आप इस चैप्टर के आगे ही पूरा जो ये जो चैप्टर शुरुआत आपने नोट्स बनाना किया है उसके जस्ट ऊपर ही आप मतलब साइड में लिख सकते हो कि इसके अंदर सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर होगा। बस दूसरा पॉइंट आप लिख दो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, साइड में लिखो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक ऐसे लिखा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और फिर आप ऐसे लिख दोगे मेनली वाइल्ड फौना। अब देखो तीन लाइन में आपका आ गया, तीन लाइन भी नहीं हुई मतलब एक डेढ़ लाइन में आपका पूरा आ गया। इस टाइप से नोट्स प्रिपेयर करने, ऐसा नहीं कि इंडिया ईयरबुक के नोट्स बनाते हुए आप अपनी खुद की ईयरबुक के नोट्स मतलब नई आपके नोट्स की नई इंडिया ईयरबुक लिख दो, ठीक है तो वो 900 पेज जो है वो 1800 पेज के नोट्स हो गए, तो वो ऐसे नोट्स नहीं होते। नोट्स का मतलब ये हुआ कि आप इतने सिंपल चीज में, क्योंकि आपके पास खुद की इंडिया ईयरबुक है उसका उसको आपको कोई लेकर जाने वाला नहीं, पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करूंगा, तो वो जो नोट्स आपके 40 50 55 पेज में बनेंगे ना वो आपके काम आने वाले हैं फाइनली मेंस में भी प्रीलिम्स में भी हर जगह पे। तो नोट्स आपको ऐसे शॉर्ट में बनाना है, पूरी इंडिया ईयरबुक की लाइन टू लाइन नहीं कॉपी करनी की नई इंडिया ईयरबुक आपको नहीं लिखनी है, ठीक है कि ये आप लोग फिर उसको सेल करने चले जाओ कि इंडिया यूरोप इंडिया यूरोप इंडिया ईयरबुक नोट्स बाय और अपना नाम लिख के और जो है वो चला दो कि ये मेरी नई इंडिया ईयरबुक है ऐसा, ठीक है तो इस टाइप से नहीं करना। हाँ 900 पेजेस नहीं रीड होंगे। नेक्स्ट लिखो प्रोजेक्ट एलिफेंट, नेक्स्ट आप लिखो एलिफेंट का जो प्रोजेक्ट एलिफेंट, ईयर याद रखो 1991। चलो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि 1991 में आपको पता चल गया कि आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, इसके अंदर जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं वो आपको याद रखना, वो आप जहां से भी पढ़ते हो ना जैसे शंकर राय की किताब से पढ़ते हो वो एनवायरमेंट फॉर वहां उस पर दिया हुआ है कौन कौन से आपके एलिफेंट रिजर्व्स हैं वो आपको करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट ये लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991-1992 लॉन्च किया गया। और अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट एलिफेंट का मतलब क्या होगा, सिंपल सी चीज आप कह सकते हो एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना काम है। अभी प्रोजेक्ट एलिफेंट में ऐसा तो है नहीं कि नाम लिखा प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोटेक्ट कुछ और कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। तो ये क्या है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट बेसिकली टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स उनके हैबिटेट्स और कॉरिडोर को करना। और ये लाइन याद रखो मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट को जो है मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट को इशू को एड्रेस करना। मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट का मतलब कि अब आपने जंगल काट दिए, अब वो एलिफेंट क्या करेगा, एलिफेंट आपके खेतों में और इधर जैसे टी गार्डन्स में इधर मूव करता है, अभी उधर आपको रह रहे हो तो उधर क्या होगा, सामना हो जाएगा एलिफेंट से। तो ऐसा नहीं कि आपसे सामना होते ही वो एलिफेंट रास्ता बदल लेगा, पॉसिबिलिटी है कि आप और एलिफेंट के बीच में हाथापाई हो और आपको पता है कि इस लड़ाई में जीतेगा कौन, है ना। तो अभी एलिफेंट से लड़ने लायक तो नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसको ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट एलिफेंट लेके आया गया, जिसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो उनके जो कॉरिडोर्स हैं जहाँ से वो मूव करते हैं तो वहाँ पे कोशिश करें कि ऐसा कोई उनके हैबिटेशन को प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें कोई बदलाव ना किया जाए, वो आसपास जो घर और ये सब चीज़ें हैं उसको जो है आप उसको हैबिटेशन को शिफ्ट किया जाए, मतलब कोशिश ये की जाए कि जो मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसको कम से कम किया जाए, मतलब वो रिड्यूस हो। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को जब कोई क्वेश्चन मेंस में आता है मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट के ऊपर तो ये कोट कर सकते हो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट एक ऐसा एक कदम है सरकार के द्वारा, ठीक है तो ऐसा हमको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स, आप लोग जानते हो कि शादी और ये सब में जो एलिफेंट्स का इस्तेमाल होता है पीछे आगे आगे पीछे पीछे जहाँ भी एलिफेंट जाते हैं ये सब होता है, उसके बाद घुमाने के लिए एलिफेंट्स इस्तेमाल होते हैं, मंदिरों में एलिफेंट्स होते हैं, ये सारे तो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स होते हैं, तो उनके लिए सर्टेन गाइडलाइंस लाई जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है यहाँ तक हमने देख लिया। तो मेनली आपको वो ईयर याद रखना, बाकी चीज़ें आप कंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टेटरी बॉडी है। देखो ये पॉइंट भी आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन स्टेटरी बॉडी है, कौन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है, कौन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है तो ये स्टेटरी बॉडी मतलब ये लॉ के तहत बनी है, और किस लॉ के तहत बनी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया, ठीक है। और मेनली इसका एम क्या है, टाइगर कंजर्वेशन इसका एम है। ये जो एक्ट है इसको अमेंड किया गया था 2006 में, और टाइगर कंजर्वेशन का इसका एम है,
तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो टाइगर की कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी कदम उठाए जाएंगे वो इस अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, ये माइंड में आपको रखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, कंजर्वेशन एक्टिविटीज को देखना, है ना, और प्रोजेक्ट टाइगर भी आगे डिस्कस करेंगे, आई थिंक प्रोजेक्ट टाइगर आपका अलग से आएगा। तो ये सब ध्यान रखना, जितने भी डिसीजंस हैं टाइगर के कंजर्वेशन के लिए वो सारे के सारे डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये सारे के सारे डिसीजंस आपके लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर माइंड में रहना चाहिए आपके। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर आपका लॉन्च किया गया था इन 1973, ये कब लॉन्च किया गया आपका 1973 में आपका प्रोजेक्ट, हाँ अच्छा, व्हाट इज स्टेटरी, स्टेटरी का मतलब होता है सुनंदा, इसका मतलब होता है एज पर द लॉ के बनाया जाए, जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ पास करेगा उसके तहत कोई बनेगा तो उसे हम स्टेटरी बॉडी कहते हैं, वी कॉल इट एज स्टेटरी बॉडी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, तो ये लॉन्च किया गया 1973 में, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च किया गया 1973 फॉर कंजर्विंग द टाइगर, ये ईयर याद रखना है, कई कंफ्यूजन होता है, कई बार 72 71 माइंड में आता है, याद रखो 1973 है, ठीक है। तो मोर देन 50 टाइगर रिजर्व्स हैं आपके, आई थिंक 50 के अराउंड होंगे आपके, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको वो जो किताब जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हो बेसिक एनवायरनमेंट, तो आप लोग वो जो इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं वो जरूर से आपको करके आना है, ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर का एम अगर आप देखोगे, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का जो एम है वो मेनली टाइगर को के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंदर आपके ये आता है। द कोर एरिया हैव द लीगल स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्क और अ सेंचुरी, वेयर एज द बफर और पेरीफेरल एरिया आर अ मिक्स्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड एज अ मल्टीपल यूज एरिया। तो देखो ये टाइगर जो रिजर्व्स होते हैं इनके अंदर भी कोर एरियाज होते हैं, तो उनमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आपकी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आपकी इन कोर एरियाज में होती हैं, ये भी आपके माइंड में रखना है, कई सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन कोर एरियाज में आपकी होती हैं, और बफर एरिया जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में बफर एरिया, तो वहाँ पे कम रिस्ट्रिक्शंस आपकी होती हैं। तो जैसे आपका गिर कंजर्व्स लायन, आपको पता है गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे, जल्दी से कोई मुझे बता दो, कोई बता सकता है सुनंदा, बफर एरिया का मतलब होता है, जैसे देखो ये आपका कोर एरिया हो गया, अब मान लो यहाँ पे तो पूरा रिस्ट्रिक्शन होगा, बफर एरिया मतलब यहाँ पे मान लो कोई गांव है आसपास, शहर है, तो ये कोर एरिया से जब आप बाहर की तरफ जाते हो तो एक ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम होती, ठीक है, तो इसको हम बफर एरिया कहते हैं। तो सभी जल्दी से, हाँ गुजरात में सभी को पता है काजीरंगा में हम वन हॉर्न्ड राइनोस को कंजर्व करते हैं, ठीक है, ये माइंड में याद रखना, काजीरंगा को वन हॉर्न्ड राइनोस को हम प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को, ये याद रखो 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं, ठीक है, टाइगर डे मनाते हैं जिससे कि लोगों की जानकारी इंक्रीज कर सकें, ठीक है, लोगों की जानकारी इंक्रीज किया जा सके टाइगर से के कंजर्वेशन से रिलेटेड। ये जो आइडिया आया था बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर अंडरलाइन कर लेना, मतलब नोट कर लेना, ये जो आइडिया आया इंटरनेशनल टाइगर डे मनाने का, ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में आया 2010 के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये कब आया, सेंट पीटर्सबर्ग जो टाइगर समिट हुई थी, टाइगर समिट हुई थी 2010 के अंदर, वहां पे आपका ये आया, समिट इन 2010 वहां पे आपका आया, ठीक है। और फिर ये आपका ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ग्लोबल टाइगर डे आपका मनाया जाता है, ठीक है, और इसके बाद इस ये भी फोकस किया गया कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है 2022 तक हम उसको डबल कर देंगे, ठीक है, 2022 तक जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको हम डबल कर देंगे बाय 2022, ठीक है, बाय 2022 जो पॉपुलेशन होगी टाइगर की वी विल डबल इट, ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट आपको याद रखना। नेक्स्ट है एनिमल वेलफेयर, तो ये पूछा हुआ यूपीएससी में, ठीक है, तो एनिमल वेलफेयर जनरल, तो आपके पास एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया है,
और इसकी अगर आप बात करोगे तो ये मतलब एनिमल वेलफेयर को ध्यान में रखने के लिए आपका ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये एक स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी का मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? इट इज़ इन चेन्नई। चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और ये एक स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? एज पर द लॉ इसका गठन हुआ है। इसका काम क्या है? गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन एनिमल वेलफेयर इश्यूज और लोगों को अवेयर करना इन एनिमल वेलफेयर, ठीक है, और एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। तो अवेयरनेस जनरेट करना है ना, उसके बाद आपको जो स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करना जो एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड है, और गवर्नमेंट को एडवाइस करना है ना, अगर अलग अलग वेलफेयर इश्यूज हैं तो गवर्नमेंट को उससे एडवाइस करना। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये क्या है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये है एक प्लानिंग टूल टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल कंसर्न। जैसे आप ये मानो कि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है ना, जैसे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे मैंने एक टॉपिक आपको कुछ समय पहले करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कि आपकी यूरेनियम माइनिंग शुरू हो रही है आंध्र प्रदेश, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है वहां पे, और ये जो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है वहां पे यूरेनियम माइनिंग आपकी शुरू हो रही है। अब ये जो यूरेनियम माइनिंग नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या होगा एनवायरमेंट पे? तो कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा उसको एसेस करना, ये हम कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये इट वॉज फर्स्ट यूज इन इंडिया इन अर्ली एज 1978। रिवर वैली, मान लो रिवर वैली प्रोजेक्ट आप डैम बना रहे हो तो उसका एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये आपका किया जाता है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो ये देखा जाता है कि उसका एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो 1978 में हमने पहले सबसे पहले किया था, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो ईआईए नोटिफिकेशन है उसको कोडिफाई किया गया, सर्टेन गाइडलाइंस आई, वो 1994 में आई। ये सब ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1994 में आया, ठीक है। इसमें क्या है कि अब कोई भी जो प्रोजेक्ट है उन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर 37 कैटेगरी, तो कैटेगरी मत लिखो। तो ये आपका कोडिफाइड वे में आया, कब इसको लेकर आए हम, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन पहली बार 1994 के अंदर आया, जिसमें सर्टेन गाइडलाइंस, ऐसा एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये सब चीज़ें आपका लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट जो है वो है एयर पोल्यूशन, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है एयर पोल्यूशन। देखो एयर पोल्यूशन की अगर आप बात करोगे तो ये एक्ट के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग वेरियस प्रोविजंस आपके होते हैं, वेरियस जैसे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ये ईयर याद रखो 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, 1986 में आपका ईपीए है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका 1986 का, और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 का, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 1981 और आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अलग अलग हमारे कदम उठाए गए हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिसमें 12 पोल्यूटेंट्स बताए गए हैं, ठीक है, और इसमें ये किसके तहत हमने गठन इसका किया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये नहीं लिखने की जरूरत है, ये आपको याद नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिंग नेशनल वाइड प्रोग्राम ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नोन एज नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो एयर पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए अलग अलग कदम उठाए गए, तो एक नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने डेवलप किया जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया। दूसरा ये है कि एयर क्वालिटी के हम के मतलब जो एयर है, मतलब जो हवा है उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उस है ना, उसको मॉनिटर करने के लिए जो हमारे एक्शन प्लान है, प्रोग्राम है, वो है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये आपको याद रखना, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये आपको अगेन इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, कई कदम हम उठा रहे हैं जैसे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए सीएनजी और ये सब का इथेनॉल ब्लेंडिंग, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ये जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जो भारत स्टेज 4 नॉर्म्स हैं, इससे डायरेक्ट हम मूव कर रहे हैं भारत स्टेज 6 नॉर्म्स पे। ये 1 अप्रैल 2020 से इम्प्लीमेंट होना था बट सरकार ने 3 महीने का आपका मतलब कोर्ट ने इसको एक्सटेंड कर दिया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो अभी इंडिया एयरबुक पहले से आ गई, लॉकडाउन बाद में आया तो इसलिए इसमें मेंशन नहीं है। जो BS6
है, मतलब जो इंजन्स होते हैं आपके, तो उनको सर्टेन एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जैसे BS6 के अंदर ये लिखा हुआ है, इसके अंदर ये है कि ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम आपका होना चाहिए। ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब ये, जैसे आप कई बार क्या है कि आप लोग जैसे गाड़ी चला रहे हो तो आप लोग देखोगे कि एक गाड़ी है उसमें धुआं ही धुआं निकल रहा है, ऐसा तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके इंजन या गाड़ी के अंदर ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है तो आपको तुरंत पता चले, इस टाइप से आपको। तो BS6 के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो इससे क्या है कि जो एमिशन स्टैंडर्ड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या अलग अलग कार्बन मोनोऑक्साइड, वो स्टैंडर्ड्स बहुत बढ़ा दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो पॉल्यूटेंट्स एयर में जा रहे हैं वो पॉल्यूटेंट्स कम होंगे और एयर पोल्यूशन विल रिड्यूस, ठीक है। तो हमने बेसिकली भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 तक हम जा रहे हैं, ठीक है। भारत स्टेज वी आर मूविंग टूवर्ड्स भारत स्टेज 6, ठीक है। डायरेक्टली हम भारत स्टेज 6 तक जा रहे हैं, अब इस ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया 2015 में, ठीक है, ये आपको याद रखना। 2015 में हमने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली और NCR रीजन में। देखो ये याद रखो, ये अगर आपसे पूछे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बहुत न्यूज में था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मतलब हिंदू एनालिसिस अगर आप यूट्यूब में देखते हो या क्लास करते हो तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड NCR रीजन, ये नोटिफाई आपका किया गया है किस लिए, ये आपसे भी पूछे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, कंट्रोल करना उसको कहाँ पे, दिल्ली और NCR। तो पूरे भारत में नहीं, दिल्ली और NCR में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आपका है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है ना, ये बेसिकली कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जैसे ये मेनली वाटर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने का है ये, ठीक है। तो ये वाटर पोल्यूशन, जैसे अब क्या है कि इंडस्ट्रीज हैं आपकी, अब जब इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे लेदर इंडस्ट्री है तो बहुत अधिक उसमें एमिशन आपका होगा, एमिशन मतलब वो वेस्ट जो है निकलता है और उसको पानी में छोड़ दिया जाता है, पानी से फिर वो समुद्र में जाएगा या पानी से वो और जगह पे जाएगा, बहुत हाई लेवल का पोल्यूशन आपका कॉज होने वाला है। तो ये क्या है, इसको रोकने के लिए ये आपका कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इसका कंसेप्ट आपका एराइज हुआ, जिससे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल, द मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू रिड्यूस द ट्रीटमेंट कॉस्ट टू बी बॉर्न बाय इंडिविजुअल मेंबर यूनिट टू मिनिमम लेवल। अब ये क्या है कि ये जो प्लांट्स हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कोऑपरेटिव मतलब अलग अलग लोग मिलके इस प्लांट को रन कर सकते हैं। और दूसरा ये पॉइंट आपके लिए है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाता है सब वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है सब चीज़ों के लिए, तो एक ये कोऑपरेटिव मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर कंजर्वेशन, ये दो पॉइंट याद रखो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ठीक है, और आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर कंजर्वेशन इसका प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं हैजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट। तो आपके मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के अंदर एक अलग से एक डिवीज़न है जिसका नाम है हैजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट डिवीज़न, ठीक है। तो इसमें बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मतलब आप कह सकते हो कि सॉइल पर, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसको देखने के लिए आपका ये डिवीज़न है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है, ठीक है। ये पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1992, ये एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ये आपका हैजार्डस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसके तहत आपका ये एडमिनिस्टर किया जाता है, इसके द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये जो डिवीजन है मिनिस्ट्री हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड केमिकल सेफ्टी, ये अलग अलग एरियाज में ये कदम आपका उठाता है। तो हैजार्डस शब्द से ही आपको पता चल जाता है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, दैट इज पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ठीक है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ये आपको याद रखना है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991,
दिस पर्टिकुलर एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय हैजार्डस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये आपके लोग याद रखना। नेक्स्ट जो है केमिकल सेफ्टी के लिए, तो केमिकल सेफ्टी के लिए मतलब अलग अलग हैजार्डस केमिकल्स का उपयोग होता है, तो वो ध्यान में रखा जाए, उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आपके पास अलग अलग रूल्स हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, अलग अलग रूल्स हैं। एक है मैन्युफैक्चर स्टोरेज इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल 1989, और केमिकल एक्सीडेंट रूल आप ये मानो 1996। और इनका मेन एम क्या है कि जो मेजर एक्सीडेंट अराइज होते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड लिमिट द इफेक्ट ऑफ सच एक्सीडेंट। तो आप लोग को जैसे भोपाल में ट्रेजडी हुई या बहुत जगहों पे ऐसे केमिकल इंडस्ट्री जो होती वहाँ पे मतलब एक्सीडेंट होता है और उससे लोग तो हताहत होते ही हैं, साथ में जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता है। तो इनको रोकने के लिए इनसे रिलेटेड सर्टेन जो गाइडलाइंस हैं वो आपकी इसके अंदर है, इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान रूल 1996 केमिकल एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, ये इसका ऑब्जेक्ट, नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपका ये हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल 2008 का है, ये भी आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप ये ईयर बस याद रखो, बाकी आप लोग को याद रहेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है ना, ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का है, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो वेस्ट है उसका सेग्रीगेट करना, ये चीज़ें आपको पता ही है। जैसे वेट, तीन वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको तीन भागों में आप डिवाइड कर रहे हो, वेट, ड्राई और मेटल्स और वुड, इस टाइप से डिवाइड करना। डोमेस्टिक वेट है, ड्राई है, ठीक है, वेट है, ड्राई है और डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट, ये तीन में आपने डिवाइड किया। वेट में बायोडिग्रेडेबल हो गए, जो गीला कचड़ा जिसे कहते हैं, सूखा कचड़ा जिसे कहते हैं, और जैसे डाइपर, नैपकिन, ये जो डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट है, ये तीन कैटेगरी में आपके वेस्ट को डिवाइड किया जाता है। ये सब किसके अंडर मेंशन है, इस रूल के अंदर है, 2016 का ये जो रूल है। देखो ये सारे पॉइंट्स आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस साल का पेपर उठा के देखोगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं मेंस के अंदर 10-10 मार्क्स में, अगर आप जीएस पेपर 3 का पेपर उठा के देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 का। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आपका 2016 का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल 2016 का है, आप याद रखो ये साइंटिफिक प्लास्टिक मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मतलब, अब प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा वेस्ट इसका जनरेट होता है, उसको सही से मैनेज करना, और प्लास्टिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में भी आपका एक आया था, अब ये फिर 2016 में इसको और हम कह सकते हैं कि जिसके प्लास्टिक जिसका बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है, उसकी कई सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसको साइंटिफिक वे में मैनेज किया जाए, तो इसको और एडवांस में भी इस रूल में फोकस आपका किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का। देखो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का मतलब ये कि जैसे आप देखते होगे घर बनाना, घर तोड़ना, अब उससे बहुत वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के कंस्ट्रक्शन के काम, डिमोलिशन के काम से वेस्ट बहुत जनरेट होता है, तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है, ये आपका 2016 के अंदर इस रूल को आपका है। ठीक है, 2016 का ये रूल है। मिनिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम नोटिफाइड द सेपरेट सेट ऑफ रूल्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन इन द कंट्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पहली बार इस रूल को डिफाइन किया, ये रूल जो है ये आपका लेकर आया गया। ठीक है, और इस वजह से ये रूल पहली बार आपका लेकर आया गया, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल पहली बार लेकर आया गया, और ये रूल कब लेकर आया गया, 2016 के अंदर। ठीक है, 2016 के अंदर, इससे पहले दूसरा था, मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000 का था, उसके अंदर इसका ऐसे वेस्ट को मैनेज करने का, कैसे करना है कैसे नहीं करना वो किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000 आपका था, है ना, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000 का था, उसके तहत इस वेस्ट को आप मैनेज करते थे।
अब क्या बात हो गई है, अब ये बात हो गई है कि हमने सेपरेट 2016 में रूल लेकर आए और उसके तहत हम इसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज में आपका वेस्ट जनरेट होता है, तो इसको कैसे हम रीयूज भी कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं, तो इसके लिए इसमें कोशिश आपकी की गई है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन, तो जैसे कोल की बर्निंग होती है, ये सब में जो आपकी वो ऐश जो है वो जनरेट होती है, तो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन ये रूल भी आपका लेकर आया गया, क्योंकि ये जो फ्लाई ऐश होती है इससे एयर पोल्यूशन भी होता है, सॉलिड मतलब ये एक वेस्ट भी जनरेट होता है, और जिससे कि अगेन कई तरीके की पोल्यूशन आपका होगा। तो ये बहुत ही एक मैटर ऑफ कंसर्न था कि इस फ्लाई ऐश का क्या किया जाए, और इसके लिए फिर मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री इशूड अ नोटिफिकेशन ऑन फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन इन 1999, और उसके बाद अलग अलग समय में इनको अमेंड किया गया, 2016 में भी इसको अमेंड किया गया, ठीक है। तो अलग अलग रूल्स आए कि इन फ्लाई ऐश को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये 2016 में भी आपका है। और इसके तहत क्या है कि जहाँ भी जैसे मान लो ब्रिक रोड बनाने के लिए, ठीक है, रोड बनाने के लिए या फिर जो ब्रिक्स बनाए जाते हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब ऐसे रूल्स आपके आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन क्या है, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ठीक है। तो ये बस आप ये याद रखो, बेसल आपकी स्विट्जरलैंड में है, और ये कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये आपका है हैजार्डस वेस्ट से। ट्रांस बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश, अगर आप एक देश से दूसरे देश कोई हैजार्डस केमिकल लेकर जा रहे हो, वेस्ट लेकर जा रहे हो, तो वहां पे जो गाइडलाइंस इस कन्वेंशन के तहत हैं जो कि 1989 में आई, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। 1989 में आपका ये जो कन्वेंशन है दैट इज बेसल कन्वेंशन, ठीक है, ये आपको याद रखना, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है रोथरडैम कन्वेंशन। रोथरडैम कन्वेंशन भी बेसिकली हैजार्डस केमिकल और हैजार्डस केमिकल से ही रिलेटेड है, और प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल। तो रोथरडैम कन्वेंशन भी हैजार्डस केमिकल से रिलेटेड है, और पहले से इन्फॉर्म करना, अगर किसी देश में ये केमिकल जा रहा है जो भी, तो उसको पहले से इन्फॉर्म करना, सर्टेन गाइडलाइंस है इस कन्वेंशन के अंदर, रोथरडैम कन्वेंशन जो कि 2004 से आपका ये लागू आपका हुआ है, ठीक है। और भारत इसका पार्ट 2005 में बना, 2005 में इंडिया ने पार्ट बना, इसका पार्ट बना, ठीक है। और नेशनल अथॉरिटीज, डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटीज फॉर इंडिया आर इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो नेशनल अथॉरिटीज जो है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये मिनिस्ट्री को रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो है एंड फॉरेस्ट फार्मर वेलफेयर, इसके अंदर है ये, आपको ध्यान रखना, इसका काम है कि आप इसको इंप्लीमेंट किया जाए देश के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन बेसिकली यहाँ पे दोनों ही मिनिस्ट्री आपकी होंगी। स्टॉकहोम कन्वेंशन को अगर आप देखते हो तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये किसके ऊपर है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जैसे एंडोसल्फान, ठीक है। तो ये इनका इम्पैक्ट बहुत अधिक होता है। केरला में आप अगर देखो तो एक केस है जहाँ पे सॉइल में अगर ये बहुत समय तक रहेगा, उसको कंज्यूम करेंगे तो हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपका लोग अफेक्ट होते हैं। तो ये फोर्स में आया 2004 में, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 2006 में, ठीक है। और इंडिया ने इसे मतलब नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान डेवलप करने की भी बात की गई, और ठीक है, और ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF है, जो इसके तहत फंडिंग भी की जाती है, ये भी जो GEF है ये भी एक इंटरनेशनल आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल एक फंड है जिसके तहत जो डेवलपिंग देश है उनको पैसा दिया जाता है, कई सारे आपके जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट हैं को इम्प्लीमेंट करने के। स्टॉकहोम कोई चीज़ नहीं है, ये जगह है। कहाँ पे स्टॉकहोम कोई मुझे बता सकता है? रोथरडम भी जगह है। देखो मान लो दिल्ली में आप, मान लो आपका शहर है, कोई भी आपकी सिटी अगर वहाँ पे कुछ भी होता है, ठीक है, कोई भी आपकी सिटी है वहाँ पे अगर सपोज करो कि कोई मीटिंग होती है तो आपके शहर के नाम पे कन्वेंशन बन जाएगा। इसी तरीके से बेसल भी है, स्टॉकहोम भी है, रोथरडम भी है। तो स्टॉकहोम आपका है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें ऐसे मत सोचो कि स्टॉकहोम क्या है, कि कोई प्रोसेस है या कोई इस टाइप से मत समझो, ठीक है। तो ये आसान सी चीज़ें, आई होप आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
ये फोकल पॉइंट है फॉर जीईएफ, ये जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और स्टॉकहोम कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एग्जाम में भूल जाओगे, याद नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, जो नेशनल अथॉरिटीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड पेट्रोलियम, तो ये ऑल्दो ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, चाहे वो रॉथरडम कन्वेंशन हो चाहे स्टॉकहोम कन्वेंशन है, बट जो नेशनल अथॉरिटीज हैं, जो मतलब कि आपका काम है इसको इंप्लीमेंट करने में, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और पेट्रोकेमिकल भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थोड़ा सा याद रखना, कन्फ्यूजन आ सकता है। तो जो डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटीज हैं वो कौन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, बट ओवरऑल जो देखने का काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। नेक्स्ट देखते हैं मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, ठीक है, मिनामाटा कन्वेंशन ऑफ मर्क्यूरी, तो ये मिनामाटा कन्वेंशन रिलेटेड किससे है, मर्क्यूरी से रिलेटेड है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। और मिनामाटा एंड कुमामोटो जापान, ये दोनों जगह आपकी कहाँ पे है, जापान में है, और ये 2013 में आपकी ट्रीटी आई, और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी प्लेनी पोटेंशियरीज हेल्ड इन 2013 मिनामाटा एंड कुमामोटो जापान में, और मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, और ये ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, मर्क्यूरी की वजह से, मर्क्यूरी का जो पोल्यूशन उसकी वजह से जो ग्लोबल हेल्थ अफेक्ट हो, ग्लोबल हेल्थ इससे जो इम्पैक्ट हो रही उसको रोकने के लिए, उसको उस जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए आपका एक कन्वेंशन है मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो देख लेते हैं, दिस इज नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ये आपका इनिशिएट कब हुआ, इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान 1985, तो यह नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, तो आपका गंगा एक्शन प्लान 1985 का है, और गंगा एक्शन प्लान वॉज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन 1995, तो आपका पहले गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया, और ये फर्दर एक्सपेंड हुआ जिससे कि दूसरी जो रिवर्स है, यमुना और दूसरी जो रिवर्स है उनको भी कवर किया जाए, तो इसलिए आपका फर्दर एक्सपेंड किया गया अंडर अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन 1995। अब इसका एम क्या है नेशनल रिवर कंजर्वेशन का, कि जो पानी है रिवर्स का उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, पॉल्यूशन के लेवल को रिड्यूस किया जाए, जो जो भी पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे जो एफ्लुएंट्स हैं उनको कम किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन बेसिकली आपका वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है, रामसर एक जगह है ईरान में, और ये वेटलैंड से रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन, और ये सिग्नेट्री इंडिया बना 1982 में, इंडिया इसका सिग्नेट्री बना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली आपकी कई सारी नए रामसर साइट्स भी ऐड हुई हैं, तो आप लोग अगर आपने करंट अफेयर वाली क्लास की होगी तो उसमें मैंने आपको कवर किया है, तो ये अभी इसमें अपडेटेड नहीं है, ठीक है, तो 10 नए आई थिंक ऐड किए गए हैं, तो वो बाद में ऐड किए गए इसलिए इंडिया एयरबुक में नहीं है, तो वो आपको वो याद रखना है। फिर है आपका वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स हैं, तो इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेंशन रेगुलेटरी मैकेनिज्म वॉज पुट इन प्लेस, और मतलब हम लोग तो रामसर कन्वेंशन का पार्ट बने, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल हमारा दिसंबर 2010 के अंदर हम इसको लेकर आए, ठीक है, और सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका हमने गठन किया, और इस रूल के तहत जिसका काम क्या है, इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना, तो ये आपको याद रखना, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ये हम वेटलैंड रूल 2010 के तहत हमने इसका गठन किया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रखो, ठीक है, 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। जल्दी से बता दो मुझे कि जो ग्लोबल टाइगर डे है वो कब मनाया जाता है, बताओ जल्दी से, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, वेरी गुड, ठीक है, फिर आपका है नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, तो एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, और एफॉरेस्टेशन का पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन काटना, पेड़ लगाना है सारा, तो एफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटिंग, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ये सारा इसका काम है, और ये कब इसका गठन हुआ, 1992 में,
ठीक है, 1992 में इसका आपका गठन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और है ना, तो ये कब गठन हुआ, इसका पर्पज़ आप इजीली इसके नाम से जान सकते हो। ऑब्जेक्टिव मतलब अगर आप देखो तो इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट एरियाज पहले थे अब नहीं है, आपके नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, अलग अलग ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनके अराउंड फॉरेस्ट लगाए जाएं, यहाँ फॉरेस्ट को जो है रिजनरेट किया जाए, तो ये सारा आपका काम है नेशनल अफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट का। फिर उसके बाद नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम स्कीम, ये जो है लॉन्च किया गया 2002 में, ठीक है। तो ये भी क्या है, अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाने वाली ये भी स्कीम है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इको डेवलपमेंट फोर्सेस स्कीम, इको डेवलपमेंट फोर्सेस स्कीम इंपॉर्टेंट है, देखो ठीक है। तो इको डेवलपमेंट फोर्सेस स्कीम 1980s में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ये मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड थ्रू, देखो ये याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ टेरेन रेंडर्ड डिफिकल्ट आइदर ड्यू टू सीवियर डिग्रेडेशन और रिमोट लोकेशन और डिफिकल्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है। तो देखो इको डेवलपमेंट फोर्स आपकी आई 1980s में, तो कई सारे फैक्टर्स की वजह से अगर इकोलॉजिकली बहुत सारे इश्यूज, मतलब पेड़ भी कट रहे हैं, जो टेरेन है वो आप कह सकते हो उसका रिस्टोरेशन करना है, और दूर कहीं हैं ऐसे एरियाज हैं, और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिचुएशन है, तो ये आपकी इको डेवलपमेंट फोर्स स्कीम है, जिसके तहत आपके जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल वॉलेंटियर के रूप में निभाते हैं, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ये मिनिस्ट्री का नाम याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। टेरेन का मतलब होता है जैसे किसी भी रीजन का जो मतलब ज्योग्राफिकल एरिया आपका है, उसका कैसा आपका मेकअप है, वो आपका टेरेन होगा, है ना। जैसे मान लो आप अपने गांव देहात जहाँ भी रहते हो, आपका शहर है, तो वो लैंड किस टाइप से, वो उसका टेरेन होगा किस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इकोलॉजिकल रीजनरेशन इन डिफिकल्ट एरियाज एंड प्रमोशन ऑफ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट टू एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन इसमें एक बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको ध्यान रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए इको टास्क फोर्स बटालियन का गठन है, रेस्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, और जो अमाउंट है आपका दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो एक्सपेंडिचर है ना, तो ये आपका दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, बट जैसे जैसे पेड़ लगाने, फेंसिंग, ये सारा काम इसके लिए आपका इको टास्क फोर्स बटालियन का गठन किया गया, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बट जो एक्सपेंडिचर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ये सब कामों के लिए आपका देता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, तो पता ही चल रहा है इसका मतलब क्या है, इसका एम क्या है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज करना, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया है, ये 8 ऐसे मिशन है उनमें से एक है, मतलब ये भी एक मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की कई मिशन है, उसमें से एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, ठीक है। तो ग्रीनिंग फोकसेस ऑन मल्टीपल इकोसिस्टम सर्विसेज अलॉन्ग विद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आपका पेड़ है, ठीक है, और ये जो पेड़ है ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपका एब्जॉर्व करेगा, है ना, इस्तेमाल करेगा अपना फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो कार्बन सिंक या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टर्म हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे जो फॉरेस्ट कवर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इकोसिस्टम के रेस्टोरेशन पर फोकस किया गया, ठीक है, एग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स प्लस क्रॉप्स, ठीक है, तो कई सारे ऐसे खेत होते हैं जहाँ पे क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं और ट्रीज भी होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री, कई फॉर्म की आपकी होती है। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब एक काइंड ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट, मतलब कोई कम्युनिटी लैंड है आसपास, वहाँ पे पेड़ वेड़ लगा दिया, सोशल फॉरेस्ट्री में आपका आ जाता है। तो और अल्टरनेटिव फ्यूल एनर्जी का मतलब क्या होगा कि जैसे जंगलों में लोग जाके पेड़ काटते थे, अभी लोगों के पास घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, मतलब मान लो गाँव के इलाकों में, तो जंगलों में जाके पेड़ काटने लग गए, तो उसके लिए क्या है कि सोशल फॉरेस्ट्री किया जा सकता है, जैसे आसपास की खाली जमीन पे ऐसे पेड़ वेड़ लगा दिए और फिर उनकी लकड़ियाँ तोड़ ताड़ के जो है बना सकते हो, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फ्यूल एनर्जी का भी कोशिश किया गया, उस मतलब इस टाइप से भी कोशिश किया गया, और फ्यूल बायोमास को प्रमोट कर, जो बायोगैस जो है उसको वो जो है बायोगैस प्लांट्स लेकर आना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं इको सेंसिटिव एरिया वेस्टर्न घाट,
तो देखो अगर आप इको सेंसिटिव एरिया की बात करो तो ये क्या है, टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया वाइल अलाउिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू टेक प्लेस। देखो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो होते हैं जिसे हम ESA भी कहते हैं, ये ESA के अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और जो कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं वो अलाउड होती हैं, मतलब पूरे तरीके से आपने उस पर बैन नहीं कर दिया, तो एक्टिविटीज़ को वहाँ पर रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं उसको नहीं प्रमोट किया जाता, बट ऐसी एक्टिविटीज़ जो अगेन रन हो सकती हैं तो उसको किया जाता, तो यहाँ पे सर्टेन रेगुलेटरी मतलब चीज़ों को रेगुलेट किया जाता, प्रोहिबिट नहीं किया जाता, तो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी होता है और बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन भी होता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जहाँ ESA जहाँ डिक्लेयर किया जाता है। तो वेस्टर्न घाट का जो इलाका है ना, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, ह्यूज बायोडाइवर्सिटी आपकी है, तो यहाँ पे आपका ये डिक्लेयर किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, और नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम वो भी इसी मिनिस्ट्री का ही पार्ट है, तो आपको याद रखना है, और ये 1985 से काम कर रही है, और इसका मेन पर्पस क्या है कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं देश के अंदर उसको देखना, ठीक है, और उसको मैनेज करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये आपका 1986 में है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ देहरादून में, अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्लियर करोगे तो आपकी ट्रेनिंग यहीं पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम, तो नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम 2001-2002 में आपका शुरू किया गया, और इसमें लगभग 100,000 इको क्लब्स अक्रॉस द कंट्री बनाए गए 15 साल में, और ठीक है, तो कई सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे जो लोग हैं वॉलंटियर इसके बनते हैं और फिर पेड़ लगाने और इस सब में पार्टिसिपेट आपका करते हैं, 2001-2002 में आपका ये शुरू किया गया। उसके बाद नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन, तो नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की गई मिड 1986 में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है उसको आपका बढ़ाना, नाम से ही पता चल रहा है, बस ईयर याद रखो, बाकी चीज़ें आपको आप इस आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो 1986 में आपका नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन, फिर आपका है नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम है, ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल का, और लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लेकर आया जाए चिल्ड्रंस के बीच स्पेशली, ठीक है, और लोगों को जैसे आप लोग कैंपिंग करने जाते हैं ना, तो वो मतलब फॉरेस्ट एरियाज में कहीं पे कैंपिंग कराया जाए, लोग नेचर से कनेक्ट हो सकें, और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को ये सब कराया जाता है, कैंपिंग प्रोग्राम कराई जाती है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोब, इसको नोट कर लो ग्लोब, ठीक है, ग्लोब क्या है, ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरमेंट, ठीक है, ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरमेंट, शॉर्ट में हम ग्लोब कहते हैं। ये क्या है, इज अ हैंड्स ऑन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल साइंस एंड एजुकेशन प्रोग्राम दैट ब्रिंग्स स्टूडेंट्स टीचर्स साइंटिस्ट टुगेदर टू स्टडी द ग्लोबल एनवायरमेंट, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें स्टूडेंट टीचर्स साइंटिस्ट सब एक साथ होते हैं और ग्लोबल एनवायरमेंट को स्टडी किया जाए, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और US गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट भी साइन किया था 2000 में, ग्लोब प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में, ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखो इंडियन एनवायरमेंटल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो फुल फॉर्म याद रखो इसका, और ये याद रखो इंडियन एनवायरमेंटल सोसाइटी जो दिल्ली में है उसके द्वारा ये पूरा इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका ये काम है इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, इंडियन एनवायरमेंटल सोसाइटी दिल्ली में आपका लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका NGT है, तो NGT आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो बहुत सारे जो एनवायरमेंट रिलेटेड जो लॉज हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, उससे रिलेटेड ग्रीवेंसेस हैं, तो यहाँ पे NGT में आया जा सकता है, और इसका गठन 2010 में आपका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आपको याद रखना है, ये पूछा हुआ है, ये जो ट्रिब्यूनल है ये बाउंड नहीं है बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, जिसके तहत दूसरे जो कोर्ट हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, ये इससे बाउंड नहीं है, ये पूछा गया, ठीक है, बट इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और जो 1908 का है उससे ये बाउंड नहीं है, ठीक है, लेकिन जो नेचुरल जस्टिस का आपका जो
आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है। ये एक स्टेटरी बॉडी है, 2010 में बनी है एक है, ठीक है। तो ये आप एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसका गठन हुआ, एनजीटी एक्ट 2010। तो ये एक स्टेटरी बॉडी है और एक्सपेडिशियस है ना डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इस पर ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे हुए हैं तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑलमोस्ट हमने 89 स्लाइड्स की हैं और कुछ आपके टॉपिक्स हल्के से बचे हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कल हम लोग 9 बजे मिलेंगे। जो बच्चे YouTube में हैं मैं उनको बता देता हूँ, आपके पास हमने लगभग 1.25 घंटे का क्लास कर ली और बहुत सारे, अगर आप पेज उठा के देखोगे इंडिया एयरबुक में तो हमने मोर देन 100 पेजेस के 110-120 पेजेस ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोशिश करना है कि रेगुलरली नोट्स प्रिपेयर करो। जो बच्चे यूट्यूब में हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं राकेश, रितिका, ललित जो यूट्यूब में हैं, आप लोग अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं और 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही, 2 अप्रैल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं करेंट अफेयर्स की, और भी बहुत सारे कोर्सेस आपके लॉन्च होने जा रहे हैं तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं और इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से जुड़ सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन जो स्पेशली जो बच्चे 2020, 2021, 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको ये रेफरल कोड याद रखना है, दैट इज SPLIVE, ठीक है। SP Live रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना है, SPLIVE। जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 10%, ठीक है। तो ये क्लासेस आपकी जो होंगी करंट अफेयर्स की क्लासेस वो 1:30 बजे होंगी, ठीक है, 1:30 बजे होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अनअकैडमी में जुड़ते हो तो ये नहीं कि आप मेरे कोर्स कर रहे हो या सिर्फ मेरी क्लासेस कर रहे हो, आप पूरे 2 सालों तक मेरे कोर्सेज के अलावा 80+ एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत टॉप जो इंडिया के एजुकेटर्स हैं उनसे आप अपना पूरा GS का सिलेबस एक बार नहीं बार बार कर सकते हो, ऑप्शनल अपना पूरा बार बार कर सकते हो और टेस्ट सीरीज कर सकते हो, और ये मात्र 2 साल का अमाउंट जो है अगर आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करोगे तो ये मात्र आपका 43,200 है, ठीक है। अगर इस अमाउंट को अगर जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं अगर डिवाइड करोगे तो वो ट्यूशन फीस जो आप स्कूल टाइम पे देते थे उससे भी कम आएगा। तो पूरे GS के सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, IR, इथिक्स, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है सब कुछ, प्लस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसके अंदर, इस अमाउंट के अंदर है, ठीक है, 2 सालों तक। तो एक बार तो करके उसके बाद आप बार बार इसको करके आपका प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करो एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कोड, दैट इज SPLIVE। सो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आप सभी के लिए अच्छा होगा। कल हम लोग 9 बजे दोबारा से मिलेंगे। आप सभी खुश रहो, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। थैंक यू।